करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या समझा था, लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी किस चीज की, है किसको याद, किस चीज की थी, डीपीएफ के बारे में। डीपीएफ क्या था, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। क्या करता था वो, जो आपके शूट पार्टिकल्स थे जिनको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं उनको रोकता था, जलाने का सिस्टम था, रीजनरेशन होती थी और हमारा डीपीएफ क्लियर होता था, उसके बाद फिर से चल पड़ता था। ठीक है, तो ये किस कौन सी गाड़ी में रहता है, डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब इसी में ही एक्चुअली तीन यूनिट एक साथ काम करती हैं। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको वो बता दिया डीपीएफ, एक इसमें डॉक होता है डीओसी, दैट इज डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, एंड थर्ड वन होती है जो कि आज पढ़ेंगे हम, एससीआर, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे कि गाड़ी के अंदर यूरिया डलता है कि अलग से आजकल, जिसको एड ब्लू बोलते हैं, सुना है ऐसा कभी, डीजल गाड़ियों में जैसे आपकी स्कॉर्पियो है भाई या आपकी फॉर्चुनर वगैरह है, उन गाड़ियों में आपने देखा है यूरिया डलता हुआ, जहाँ पे पेट्रोल की टंकी का कैप होता है वहाँ पे बगल में एक और कैप होता है, दो कैप होते हैं उनमें, एक यूरिया के लिए होता है और एक होता है आपका डीजल के लिए, समझ रहे हो मेरी बात। अगर ऐसा ना हो कि आप गाड़ी देखो और आप बोलो कि यार यहाँ पे दो ढक्कन है और इन दो ढक्कनों का काम क्या है, डीजल किसमें डलना है किसमें नहीं, वैसे तो उस पर मेंशन किया होता है। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो यूरिया क्यों डाला गया है, जिसको आप यूरिया बोल रहे हैं। ठीक है, सो इस प्रोसेस का पूरा नाम है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जिसके बारे में हम अभी समझने वाले हैं। ये बेसिकली है क्या, ये इसलिए इम्प्लीमेंट किया है कि जैसे मैंने पिछला बताया आपको डीपीएफ, दैट इज डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, वो क्या करता था, पार्टिकुलेट मैटर को रोकता था, मतलब उनको एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन नहीं फैलाने देता था। लेकिन एससीआर में क्या है, ये नॉक्स के लिए है, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनको रिड्यूस करता है। कैसे, इसमें एक सिस्टम बना हुआ है, डोजिंग यूनिट बोलते हैं जिसको, जैसे इंजेक्टर स्प्रे करता है ना हमारा सिलेंडर के अंदर, वैसे इसमें एक डोजिंग यूनिट लगा है, वो क्या करता है, अमोनिया का या आपके जिसको डीईएफ बोलेंगे, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को, जिसको आप यूरिया बोलते हैं या फिर आप एड ब्लू बोलते हैं, उसका स्प्रे करता है। स्प्रे करने से क्या होता है, वो क्या करेगा, जो आपका अमोनिया है या डीईएफ है, जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, वो अमोनिया से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको हार्मफुल से हार्मलेस बनाता है। उसको किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा और सम क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जब उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे ही हम उसमें स्प्रे करेंगे तो उसकी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होगा, जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जो कि हमारी सबसे हार्मफुल गैस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, तो बहुत हार्मफुल होती है एटमॉस्फेयर के लिए भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी, तो ये क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कम करेगा। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसकी क्वांटिटी को घटाएगा। ये इसकी एक लाइन डायग्राम है, ये इसका कंप्लीट डायग्राम है, जिसके अंदर तीनों यूनिट्स एक साथ इंस्टॉल्ड है, इसमें डॉक भी है, इसके अंदर एससीआर भी है और इसके अंदर डीपीएफ भी है। ऐसे दिखेगा आपको अगला कैटालिटिक कन्वर्टर, जो डीजल गाड़ी में दिखेगा। हमारे पास अभी पेट्रोल गाड़ी में कैसा दिखता है, बॉटल टाइप सिंगल, लेकिन जब आप ये सारा सेटअप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, समझ गए बस। तो इसकी जस्ट एक इमेज है, अब बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो इसमें क्या होता है, वो आपका एक डीईएफ का, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का या यूरिया का या एड ब्लू का एक टैंक होता है, जो मैंने आपको बता दिया। उस टैंक से हमने क्या करना है, सप्लाई पहुंचानी है कैटालिटिक कन्वर्टर तक। बैठने के लिए जगह नहीं, आ जाओ, दो डेस्क आगे हटिए, आ जाओ, ट्रिपलिंग हो जाएगी यहाँ पे। बाइक का मतलब खरीद दिया होगा, आइए ओके। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे दिखाया है, ये आपका ईसीएम है। ईसीएम क्या काम करेगा, यहाँ पे आपके दो प्रेशर डिफरेंस सेंसर लगे होते हैं, एक आपका एग्जॉस्ट से स्टार्टिंग में लगा होगा और एक कैटालिटिक कन्वर्टर के लोअर पोर्शन में लगा होगा। वो क्या करेंगे, प्रेशर डिफरेंस बताएंगे। जैसे इसमें दिखाया है आपका, यहाँ पे नॉक्स का सेंसर लगा हुआ है ना, ये तो नॉक जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए है, लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस सेंसर है उनसे ईसीएम को कमांड जाएगी। रिएक्शन की बात करें, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके सिर के ऊपर से भी ना गुजर जाए। तो इसके अंदर दो स्टेप्स में केमिकल रिएक्शन होता है। जब पहला रिएक्शन होगा, तो जब आप डीईएफ को, जो आपका यूरिया है या अमोनिया है, बार बार बोलना चाहिए बात नहीं, ओके। सो जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, जब आप उसको स्प्रे करते हो तो क्या करेगा वो, जैसे मैंने बताया, जो अमोनिया है जो आपका इसमें डिकम्पोज करेगा, रिएक्शन करेगा, तो वो आपका जो डीईएफ है वो दो हिस्सों में टूटेगा, एक अमोनिया बन जाएगा, दूसरा आपका आइसोसाइनिक एसिड बन जाएगा। और इसके साथ रिएक्ट क्या करेगा, सेकेंड ऑप्शन में बताया है, जब अमोनिया के फॉर्म में आएगा तो नॉक्स कंटेंट जो इसमें प्रेजेंट होगा उसको तोड़ के नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। और नाइट्रोजन वैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बोलते हैं 80% के करीब है ना, ऐसा पता आपको, 78% है, ओके। तो नाइट्रोजन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड हार्मफुल है, ओके।
तो इसके बाद जब हम देखेंगे इसके टोटल कंपोनेंट्स के बारे में, वैसे अगर थोड़ा सा इसके बारे में देखना है तो ये देख लो, ये यहाँ पर ही जूम कैसे होगा यहाँ से, है ना, ये देखो ये टैप कर रहा है, यहाँ पे आपका इंजेक्टर लगा है, ये बीच में जो लगा है इंजेक्टर ये डॉक है, जो मैंने आपको डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के बारे में बोल रहा ना कि थर्ड आइटम है, उसको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन SCR जो सिलेक्टिव कैटालिटिक डिटेक्शन वाला है उसका इंजेक्टर यहाँ लगा है, इंजेक्टर स्प्रे कर रहा है, स्प्रे करने के बाद इसने क्या किया, ये पर्स्ड गैसेस जो है इसमें से जो आपका DPF है उसकी वॉल्स के साथ वॉशकोट लगा है, वो क्या करेगा पकड़ेगा, साथ में अमोनिया स्प्रे होगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा और आपका जो एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल क्लीन होगा, मतलब पोल्यूशन नहीं फैलाएगा, ठीक है। डीजल गाड़ी के केस में क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम है ना, डीजल गाड़ी में ज्यादा दिक्कत आती है आपकी पोल्यूशन की। अब बात आती है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन में क्या क्या यूज किया जा रहा है। एक तो इसमें आपका स्टोरेज टैंक रहता है, जहाँ पे आप इस जो आपका DEF है या जिसको आप बोलते हैं क्या एडब्लू है, जहाँ पे आप स्टोर करोगे वहां से एक पंप लगा है सप्लाई के लिए, क्योंकि हमने आगे इंजेक्टर से स्प्रे करना तो प्रेशर चाहिए, तो इसका प्रेशर कितना रहेगा, दैट इज 5.5 bar, यहाँ दिखा है, ये दिख रहा है ना 5.5 bar, तो इसका प्रेशर इतना होना चाहिए, अगर इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा है पंप तो इसका मतलब है आपका SCR यूनिट काम नहीं कर रही है, क्लियर है। अगर SCR यूनिट काम नहीं कर रही है, इसका एक आपको ये एग्जांपल बता दिया। दूसरा होता है इसमें डोजिंग मॉड्यूल वो है जहां पे आपका इंजेक्टर लगा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर, जहां पे मैंने बताया ना अभी डायग्राम दिखाएंगे, तो जो इंजेक्टर लगा है उसको डोजिंग मॉड्यूल बोलते हैं, समझ रहे हो बात। और वो जो डोजिंग मॉड्यूल होती है वो वाटर कूल्ड होती है, क्योंकि जो इंजेक्टर है वो प्लेस किया गया है कहां पे, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर, वहां पे टेंपरेचर कितना रहता है नॉर्मली 200 से 250 डिग्री, तो इंजेक्टर गर्म रहेगा हमेशा और इस वजह से दिक्कत आने के चांसेस बने रहेंगे, तो उसको ठंडा करने के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम दिया होता है जो कि आपका कूलिंग लाइन से आता है। इसके बाद आपका पर्ज पंप है, ये पर्ज पंप किस लिए होता है, ये पानी की जो आपका एडब्लू है उसकी सप्लाई को ऑन और ऑफ करने का काम करता है, जैसे ही ECM कमांड करेगा कि हाँ इस टाइम पे हमें जैसे 700-800 किलोमीटर के बाद ये ECM अपने आप इसमें रिडक्शन चालू करवाएगा, तो होगा क्या, जैसे ही सिग्नल आएगा पर्ज पंप आपका लाइन भर देगा और आगे इंजेक्टर स्प्रे करना चालू कर जाएगा। लेकिन जैसे ही, अब इसमें एक कंडीशन मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो आपका एड ब्लू है या जो अमोनिया है ये आपका -11 डिग्री टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो जाता है, ये बर्फ बन जाता है। जैसे हम अगर बात करें कि हम गाड़ी ले गए ले में, अब हमारा टंकियों में जो पेट्रोल और डीजल होता है क्या वो जाम होता है, वो नहीं जाम होता क्योंकि उसकी क्वालिटी वैसी है, लेकिन अमोनिया की क्वालिटी ऐसी नहीं है, जो आपका एड ब्लू है वो -11 डिग्री टेम्परेचर पे जाने पे फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे, जो आपकी सप्लाई लाइन है उसके अंदर जो अमोनिया भरा रहेगा उसको भी तो बाहर को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, टंकी में जो है वो तो फ्रीज होगा ही होगा, आपकी लाइन भी जाम हो जाएगी, जिस लाइन के अंदर वो फ्लूड भरा हुआ है वो पाइपलाइन पूरी फ्रीज हो जाएगी। तो ये पर्ज पंप क्या करता है, उसको बैक ले आता है, जैसे ही उसका रिएक्शन या उसकी वर्किंग का टाइम पीरियड क्लोज होता है तो वो अपनी लाइन को खाली करके टंकी में पहुंचा देगा, ठीक है। अब टंकी में यहाँ पे एक और ऑप्शन दी होगी DEF टैंक हीटर, ये हीटर क्यों दिया है, क्योंकि जैसे ही आपकी गाड़ी में आप ECM आपके एम्बिएंट एयर टेम्परेचर को चेक करता रहेगा, जहाँ से इंटेक एयर का टेम्परेचर आता है ना IAT सेंसर होता है जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से उसको पता ECM को पता चलेगा बाहर ठंडक कितनी है, बाहर कितनी ठंड है, तो उस हिसाब से अगर उसको लगता है कि मेरे DEF टैंक को हीट करने की जरूरत है तो उस टैंक के नीचे हीटर लगा हुआ है, क्योंकि -11 डिग्री से नीचे जाके वो बर्फ बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे तो फिर आपका SCR काम नहीं कर पाएगा ना, तो वो हीटर क्या करता है उसको पिघला के रखेगा, जब वर्किंग में आएगा पिघला देगा, अदरवाइज टंकी फ्रीज रहे और लाइन आपकी पर्ज पंप ने खाली कर रखी है ऑलरेडी, जब वो पिघलेगा उसकी वर्किंग होनी होगी तो पर्ज पंप फिर से सप्लाई चालू करेगा और वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर क्यों दिया है, जो कि मैंने अभी आपको बात बताई कि -11 डिग्री पे जाने के बाद ये आपका फ्रीज हो जाता है, ओके। ये है अल्ट्रासोनिक फ्लो टाइप लेवल सेंसर, ये वो चीज है जैसे कि आपकी गाड़ी के ऊपर फ्यूल गेज लगी होती है, लगी होती है ना कि गाड़ी के अंदर कितना तेल है पता चलता है ना, तो ये आपके DEF के लिए अलग से एक मीटर लगाओ, जो आपका दूसरा टैंक है उसका मीटर अलग से होगा कि इसके अंदर कितना यूरिया बचा है या कितना एडब्लू बचा है, अगर वो एडब्लू के लेवल डाउन जाता है तो आपको एजेंसी जाना पड़ेगा और वहां पे जाके उसको फिलअप करवाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात में, ओके। यहां तक समझ आया, ये देखिए इसका एक्सप्लोडेड व्यू है, ये आपका इलेक्ट्रिक वाटर पंप है जो कि आपका स्टोरेज टैंक के यूनिट के साथ फिट रहेगा, वहां से आपकी सप्लाई चालू होगी। ये यूरिया इंजेक्टर है, ये आपका एग्जॉस्ट वाला सिस्टम है, यहाँ से आपका क्या चीज है, ये आपको कूलिंग देगा, वाटर कूलिंग सिस्टम का रेडिएटर बताया हुआ है, और ये आपका EWF लेआउट है कि ये होता क्या है टोटली, जो आपका डोजिंग मॉड्यूल है वो काम कैसे करता है, ये सिर्फ एक लाइन डायग्राम है, बाकी इसमें कोई एक्सप्लोडेड
नहीं बताया गया, ठीक है। हाँ, अगर आपने डोजिंग मॉड्यूल देखना है वो ऐसा होता है। डोजिंग मॉड्यूल में मैंने तीन चीजें बताई, एक तो यहाँ पे सप्लाई आएगी, दो कनेक्शन किस चीज के होंगे, कूलिंग के, एक साइड से पानी अंदर जाएगा दूसरी साइड से पानी बाहर आएगा, होगा ना ऐसा। तो ये आपका डोजिंग मॉड्यूल है, यहां से इसको हाई प्रेशर पे, इसकी पाइप का जो डायग्राम में डिजाइन बना हुआ है यही बता रहा है कि हाई प्रेशर की पाइपलाइन है। ये पीछे से सप्लाई आ रही है, टंकी से सप्लाई आई, यहां से इंजेक्शन होगा, ये और ये एक इन है एक आउट है, एक साइड से वाटर कूलिंग सिस्टम वर्क करेगा, एक साइड से पानी अंदर जाएगा दूसरी साइड से पानी बाहर जाएगा। अब मैं आपको नॉर्मल कंडीशन में बताऊं, जो हमारी गाड़ी का वर्किंग टेम्परेचर रहता है कूलिंग सिस्टम के लिए, जो आइडली जब तक आपका रेडिएटर फैन को चलाना शुरू नहीं करता, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 94-97 डिग्री सेंटीग्रेड, 102-103 डिग्री के ऊपर आपका रेडिएटर का पंखा चलना शुरू हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अब आप देखो पानी 100-120 डिग्री पे है, ठीक है। अब बात कहां पे आ रही है, जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है उसका टेम्परेचर चल रहा है 250 से 300, ठीक है। तो वहां पे जो डोजिंग मॉड्यूल है वो 250 से 300 डिग्री पे गर्म हो रहा है, वहां से अगर 100 डिग्री का पानी भी घुमाओगे ना तो उसके लिए वो एक किस्म से मतलब फ्रिज का पानी है, क्योंकि ऑलरेडी जिस जगह के हम उसको घुमा रहे हैं उसका तापमान उससे बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात है? अगर हम 250 डिग्री के टेम्परेचर में 100 डिग्री वाला पानी घुमाओगे तो वो 100 डिग्री वाला ठंडा ही लगेगा ना उसको, जेन्युइन सी बात है ना। तो जो कूलिंग सिस्टम का वाटर है वो उसको ठंडा करता रहता है, समझ गए बात, डोजिंग मॉड्यूल। ओके, इसके बाद ये इसका टैंक रहता है, स्टोरेज टैंक, जैसे आपने फ्यूल टैंक निकाला था ना, हमने प्लेनो गाड़ी का फ्यूल टैंक उतारा था ना, हमने देखा था फ्यूल टैंक कैसा होता है, ऐसा ही दिखता है ना कुछ, थोड़ा सा डिजाइन में फर्क होगा, थोड़ा सा शेप में फर्क होगा, लेकिन ये आपका जो DEF है उसका सप्लाई टैंक है, जो टैंक होता है जहां पे आप स्टोरेज करोगे, ओके। और मोस्टली 20 से 25 लीटर कैपेसिटी का बनता है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बनता है। क्यों बनता है पॉलीथीन का, हाई डेंसिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग हार्ड वाली पॉलीथीन, जैसे कि आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं रहता था, टीवी के केस बनते थे बाहर से हार्ड प्लास्टिक के, लेकिन इसकी क्वालिटी अलग रहेगी, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होगा, उतना हार्ड नहीं होगा कि मतलब झटकों से क्रैक आ जाए, समझ गए बात। तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि जो यूरिया है अगर आप उसको लोहे में, जैसे आपको मैं बात बताऊं, अब आपको मैं यूरिया की बात बताऊं, अमोनिया की बात बताऊं, हमारी जो घर की खाद होती है जिसको हम खेतों में डालते हैं उसमें अमोनिया होता है, यूरिया बोलते हैं ना, व्हाइट कलर की आती है ना आजकल हम खेतों में दे रहे हैं। अब हम उसको अगर एक लोहे की टंकी में डाल दें तो वो टंकी को गला देगा, होगा ना ऐसा, कभी देखा ऐसा, जंग लगता है ना ऐसे। तो यूरिया को हम वैसी जगह पे स्टोर नहीं कर सकते, तो हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, प्लास्टिक की बोरी में रखा होता है, रखा होता है ना प्लास्टिक की बोरी में, उसमें सही चलता है ना भाई, उसमें रखा है ऊपर से रस्सी बांध दी तो अगले सीजन तक सेफ रहेगा, अगर हम उसको लोहे की टंकी में डालेंगे तो क्या होगा, उस टंकी को खराब कर देगा। तो ऐसा ही सेम केस गाड़ी में है, जब हमने एडब्लू को जहाँ स्टोर करना है तो वहाँ की जो क्वालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे गाड़ी को रस्त ना लगे, ओके। क्योंकि अब कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने आज यूरिया फिलअप करवाया, अगले 6 महीने आपने यूरिया का दोबारा से रीफिलिंग नहीं करवाई, गाड़ी खड़ी रही, तो 6 महीने अगर वो गाड़ी में वैसे ही पड़ा है तो ऑटोमेटिकली अगर स्टील पार्ट में उसको स्टोर किया तो स्टील को जंग लगा, ठीक है। तो हम इसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बनाते हैं, और इसके नीचे ये देखो, ये इसका सप्लाई पर्ज पंप है जो यहाँ पे बताया है, ये आपका लेवल सेंसर है जो कि मैंने अल्ट्रासोनिक टाइप आपको बताया, फ्यूल गेज लगी होगी, जैसे फ्यूल गेज होती है ना वैसे इसका लेवल गेज है, ओके। ये ड्रेन वाल्व है और ये सप्लाई पर्ज लाइन है, ये जो पाइप आगे की तरफ को जा रही है ना, ये आपकी लाइन है जहां से आप सप्लाई करोगे, क्लियर है। ये टंकी का फोटो है जिसके अंदर आप स्टोर करते हो। अब बात आती है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की, जिसको आप एडब्लू बोलते हो, वो होता क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है और उसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ये बताया गया है कि यूरिया इसमें कंटेंट रहेगा 32.5% और इसके साथ इसमें रहेगा 67.5% वाटर। जब ये इस मिश्रण की रेशियो में आएगा तो ये नॉन टॉक्सिक कलरलेस वाटर सॉल्युबल लिक्विड बन जाएगा, नॉन मतलब इनफ्लेमेबल नहीं रहेगा, ये जलने लायक भी नहीं रहेगा, इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा, साथ के साथ यहाँ पे लिखा है वाटर सॉल्युबल मतलब पानी में घुलने वाला, तो ये पानी में घुलने वाला सोल्यूशन बन जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, ओके। बाकी ये नीचे जो बताया गया ना, इसकी जो ISO की सर्टिफिकेशन होती है ना, जैसे स्टैंडर्ड बनता है कि उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि ऐसा होता है कि अलग अलग गाड़ी में अलग अलग रेशियो का DPF नहीं डाल सकते, जो DEF है आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है। अब ऐसा नहीं है कि टोयोटा वाले अपने हिसाब से रेशियो बना ले और ह्यूंडई वाले अपने हिसाब से बना ले, मारुति वाले अपने हिसाब से बना ले, तो कस्टमर अगर बाई चांस कहीं फंसा है और उसको वैसा ही डलवाना है तो फिर अपनी एजेंसी में जाए, अदरवाइज क्या होता है यूनिवर्सल बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, समझ रहे हो मेरी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई सिंपल सी बात है कि इजिली एक ही स्टैंडर्ड का आपने जो एड ब्लू है वो बनाना है, सबको यही गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है कि इसी रेशियो पे बनेगा। हाँ, मैन्युफैक्चरर का नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक चीज खरीदते हो
हमने जैसे इंजन ऑयल खरीदना है, इंजन ऑयल हमने 20-40 ग्रेड का खरीदना है या 20-50 ग्रेड का खरीदना है, बनाने वाले 10 मैन्युफैक्चरर है, लेकिन उसके अंदर की जो क्वालिटी है, उसके अंदर का जो मिश्रण है, वो सारा का सारा सेम है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो वो स्टैंडर्ड बनता है। तो ये स्टैंडर्ड की बात हो रही है। ओके, अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, डोंट एक्सपोज द DEF फिल्टर कंटेनर टू सनलाइट। इसको सूरज के सामने भी नहीं रख सकते, ये कवर्ड रहता है, अंदर सील्ड रहता है, बिल्कुल सनलाइट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। समझ रहे हो? ओके, और यहाँ पे ये देख लो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले टैंक की स्पेशलिटी के लिए बताया था, लाइन लिखी है, DEF इज कोरोसिव अगेंस्ट पेंट एंड मेटल सरफेस। अगर इसको किसी भी तरीके के पेंट से साथ टच करवाओगे या आप इसको मेटल सरफेस पे रखोगे तो ये जंग पकड़ लेगा एकदम से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी कंसंट्रेशन को चेक करने की। जैसे कि आप बैटरी के जो आपका रहता है, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट, उसको जब चेक करते हो तो किस चीज से करते हो? किससे? हाइड्रोमीटर से। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट्रोमीटर होता है इसका। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट्रोमीटर बोलते हैं इसको, ये भी वैसे ही सेम काम करता है, लेकिन ये डिजिटल रीडिंग बताता है। इसमें आप उसकी सैंपल उठाएंगे, जैसे ही सैंपल उठाओगे वो रीडिंग में ये बता देगा कि इसके अंदर अमोनिया कंटेंट कितना है। क्लियर है? ओके, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। क्लियर है? इसके बाद जो मेन चीज है जो हमें समझ में आनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए क्या दिक्कत आ सकती है क्या नहीं आ सकती है। अब इसमें अलग अलग वार्निंग स्टेजेस हैं। जो DEF है उसका ये देख लो, अलग से सिंबल है, क्लस्टर, जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है ना, जहाँ पे आपका गेजेस दिखती है सारी, ऊपर डैशबोर्ड पे दिखती है ना कि कौन सी ब्लिंक कर रही है लाइट, तो वहां पे इस तरीके का सिंबल आएगा, ये DEF का है। ठीक है, डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल का। अब इसमें कंडीशन क्या आ रही है, लेवल मॉनिटरिंग के अगर बोलेगा तो क्या दिक्कत आ सकती है, कि आपका भाई DEF जो आपका एड ब्लू है उसकी क्वांटिटी कम है, या इंजन में, और इसमें कंडीशंस क्या अप्लाई होंगी, देखो अगर आपका लेवल लो है, इंजन विल नॉट स्टार्ट इन 800 किलोमीटर, अगर 800 किलोमीटर के अंदर अंदर आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं किया है, और अगर आपका एडब्ल्यू खत्म हो गया, जैसे ही 1000 किलोमीटर से ऊपर जाओगे आपकी गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर देगा। कारण क्या? वही वाला जो मैंने पिछले कल भी बताया था कि 800 किलोमीटर से ऊपर इसको स्प्रे देना ही पड़ेगा, इसको क्लियरेंस करवानी ही पड़ेगी। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे लिख दिया क्वालिटी की, अगर बात करें क्वालिटी को भी टेस्टिंग चली होगी साथ के साथ, अगर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया तो इनकरेक्ट DEF, आपका इंजन विल नॉट स्टार्ट इन, वही वाली सेम कंडीशन। आपकी एक तो इसमें रेशियो सही बनी होनी चाहिए, दूसरा लेवल पूरा होना चाहिए, और तीसरा जो डोजिंग मॉड्यूल है वो प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए। अगर डोजिंग मॉड्यूल में कोई फॉल्ट आ जाता है कि इंजेक्टर स्प्रे नहीं कर रहा या कुछ, तो सारा सिस्टम माल फंक्शन हो जाएगा, डैशबोर्ड पे लाइट आ जाएगी, और जैसे ही डैशबोर्ड पे लाइट आएगी आपको जाना पड़ेगा सर्विस स्टेशन या एजेंसी। क्लियर है? तो वो आपकी पूरी की पूरी लाइन को फिर से वॉश और या फ्लशिंग करेंगे और आपकी लाइन को क्लियर करवाएंगे। ये था आपका SCR के रिगार्डिंग, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जिसको आप बोलते हैं यूरिया या एडब्लू वाला सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही एडब्लू वाला सिस्टम है, ये सेम टू सेम, एक ये हो गया, दूसरा साथ में आपका कल मैंने जो पिछले कल बताया था DPF वाला, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर वाला, और तीसरा रहता है हमारा टॉप डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट वाला, वो हम कल समझेंगे, ज्यादा बड़े कंसेप्ट नहीं है। और इन तीनों को मिला के जो कंसेप्ट बनता है उसको बोला जाता है EDPF। ओके, तो ये सारा का सारा सेटअप जो मैंने फर्स्ट फिगर में बताया था ना, ये SDPF बनता है, सॉरी EDPF नहीं, SDPF कंपोनेंट भी हुआ है, ये सारे तीनों जोड़ के टॉप DPF SCR, इन तीनों को जोड़ के जो पूरा सेटअप बनता है ये डीजल गाड़ी में लगेगा। क्लियर है? पेट्रोल गाड़ी का एमिशन सिस्टम अलग से है, वो मैं बाद में बताता हूँ, BS6 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मोटी मोटी आपको एक बात बता दूँ, गाड़ी में पोल्यूशन को रोकने के सिर्फ दो तरीके हैं, और दो तरीके से रोका जाता है। एक होता है जलने से पहले आप क्या कंट्रोल कर रहे हो, ओके, प्री इग्निशन, हम पहले क्या कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं, जिसमें कि आपको एग्जांपल बताऊं, इतने सारे सेंसर लगे हैं, इंटेक एयर का टेम्परेचर हम सेंस कर रहे हैं, थ्रोटल की पोजीशन को सेंस कर रहे हैं, इंजेक्टर के एक्चुएटर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, ECM से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो अगर वहाँ पे जैसे एग्जॉस्ट से जो आपका लैम्डा सेंसर होता है वो आगे बोल देगा ECM को कि भाई साहब पोल्यूशन हो रहा है, तो वो पहले तो प्री वाली को पकड़ लेगा कि मैंने सप्लाई कितना देना है, फ्यूल की सप्लाई कितनी देनी है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके ECM पकड़ लेता है। ये तो होगी प्री ट्रीटमेंट। आफ्टर ट्रीटमेंट में आता है ये वाला, ये जो आपके सामने लगा है, अब जल चुका है, इसके बाद भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा, पहले पे भी हमें फोकस रखना पड़ेगा और आफ्टर में भी फोकस रखना पड़ेगा। हम अभी आफ्टर वाली बात कर रहे हैं, डीजल गाड़ी की बात हो रही है, पेट्रोल गाड़ी की बात हम इसके बाद करेंगे। हमारा एक कंसेप्ट बच रहा है सिर्फ और सिर्फ डॉक्ट, और वो हम पढ़ देंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, LNT है, जो मैं जैसे अलग अलग चीजें और आपको बता रहा था। हाँ, एक और है इसमें जो सेंसर है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर, वो डॉक्ट के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, अभी हम जाएंगे प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि
थोड़ा सा हमें काम है अभी, है ना। चलो क्लोज।